It has welcomed the Supreme Court order asking Solicitor General Tushar Mehta to place before it on Monday morning the letters of Governor recommending revocation of the President's rule and also inviting Devendra Fadnavis to form the government in Maharashtra. आज सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख थी वो कल तक टल गई है और निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. सरकार के पास बहुमत नहीं है. हम तो चाहते हैं कि देवेंद्र जी इस्तीफा दे दे. अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को पराजित करेंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे. देखिए, सरकार पूरी तरह से अल्पमत की सरकार है. कितने भी दिन में रह ले, पटल पे आना पड़ेगा, सदन में आना पड़ेगा और सदन में उन्हें हम परास्त करेंगे. ये बेहतर होगा कि बहुमत ना होते हुए उन्हें चाहिए कि वे इस्तीफा दे दे देवेंद्र जी और हम इस सरकार को अगर नहीं देते हैं तो परास्त करेंगे, नई सरकार बनाएंगे. And Congress leader Prithviraj Chauhan has thanked the Supreme Court for hearing the Maharashtra matter on a holiday and said that the matter will again be heard on Monday. तीनों दलों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा पेश किया गया था और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी. जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं.